हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कृषि पर्यवेक्षकों की मांगे पूरी करे सरकार। देवल 15वीं विधानसभा के 7वें सत्र के 18वें दिन राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 1986 के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पेश कर रानीवाड़ा विधायक एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण सिंह देवल ने सरकार से कृषि पर्यवेक्षकों की मांगों को पूरा करने की मांग की। देवल ने अपने विशेष उल्लेख प्रस्ताव में कहा कि एक तरफ जो राज्य सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए इस वित्तीय वर्ष से अलग से कृषि बजट प्रस्तुत करके किसान हितैषी होने का दावा करती है, तो दूसरी ओर किसानों के हित में काम करने वाले कृषि पर्यवेक्षकों की मांगों को पूरा नहीं कर रही है। गौरतलब है कि कृषि पर्यवेक्षकों ने वेतन विसंगति दूर करने एवं विशेष भत्ता, अतिरिक्त कार्य भत्ता, स्टेशनरी भत्ता, किसान केंद्र किराया भत्ता आदि मांगों को लेकर जयपुर में आंदोलन भी किया था। तब सरकार द्वारा आश्वासन देने के बाद आंदोलन को खत्म किया था, लेकिन सरकार ने बजट में कृषि पर्यवेक्षकों की मांगों को स्वीकार नहीं करके उनके साथ विश्वासघात किया है। देवल ने कहा कि कृषि और किसान कल्याण के लिए संचालित राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर अमली जामा पहनाने वाले कृषि विभाग के सबसे छोटे कर्मचारी कृषि पर्यवेक्षकों की लंबित मांगों पर बजट में कोई प्रावधान नहीं करना, ये साबित करता है कि सरकार किसानों के प्रति कितनी संवेदनशील है। जबकि ग्राम पंचायतों में जिस प्रकार पटवारी फील्ड वर्क का कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार कृषि पर्यवेक्षक भी फील्ड वर्क का कार्य करते हैं, लेकिन पटवारियों का इसके लिए विशेष भत्ता, अतिरिक्त कार्य भत्ता, स्टेशनरी भत्ता सहित कई प्रकार के भत्ते दिए गए, लेकिन कृषि पर्यवेक्षकों को ये भत्ते नहीं दिए गए हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि कृषि पर्यवेक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने एवं विशेष भत्ता, अतिरिक्त कार्य भत्ता, स्टेशनरी भत्ता, किसान केंद्र किराया भत्ता आदि जायज मांगों पर विचार करते हुए इन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिससे कृषि पर्यवेक्षक पूर्ण मनोयोग से कृषि एवं किसान कल्याण की योजनाओं को अमली जामा पहना सके। जागरूक टीवी की रानीवाड़ा से विद्या मदन माहेश्वरी की रिपोर्ट।